नहीं चलेगी। भड़के दूंगा सरकार के चारों से, जीतेंगे चारों से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 18 सितंबर को ग्वालियर प्रवास पर आ रहे हैं। वह गांधी प्रतिमा, रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद शहर में अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसे देखते हुए शहर भर में होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं। बुधवार को अचानक ग्वालियर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के अधिकारियों की बैठक हुई और सभी होर्डिंग बैनर हटाने की रणनीति बनी। सबसे पहले एक टीम फूलबाग चौराहे पर पहुंची। वहां पर कमलनाथ के साथ भाजपा की युवा स्वाभिमान यात्रा का भी बैनर लगा हुआ था। टीम ने केवल कांग्रेस का बैनर हटाया। इसकी भनक लगते ही कांग्रेसी इकट्ठा हो गए और जमकर विरोध किया। इस दौरान वहां पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ भी कांग्रेस नेताओं ने धक्का मुक्की की। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की। इसके बाद यादव सहित कई कांग्रेसी फूलबाग चौराहे पर धरने पर बैठ गए। फूलबाग चौराहे पर ही मांझी समाज का धरना चल रहा था। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ज्ञापन लेने वहां आए। इस दौरान कांग्रेसियों ने उन्हें घेर लिया। जब मंत्री अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो कांग्रेसी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। इस पर मंत्री तोमर गाड़ी से उतरे और कांग्रेसियों के बीच जाकर कहा कि शालीनता से आंदोलन करें। मंत्री ने कहा कि प्रशासन की कार्यवाही में हस्तक्षेप न करें। कांग्रेस नेताओं ने इसे भेदभावपूर्ण कार्यवाही बताते हुए विरोध किया। उन्होंने पुलिस अफसरों को घेर लिया और धरना दिया। उनका कहना है कि कार्यवाही की जाए तो भाजपा कांग्रेस के सभी बैनर पोस्टर हटाए जाए। हंगामे के बाद कार्यवाही थम गई। उन्होंने नगर निगम की गाड़ी के आगे धरना दे दिया। प्रशासन अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन के इंतजार में है। यहाँ से उल्टे पांव भागना पड़ा। देखिए अभी तो जनता ये जनता तय कर रही है। अभी प्रद्युम्न सिंह जी ने जिस मुद्दे को लेकर सिंधिया कांग्रेस की जब सरकार थी और उस समय वो कांग्रेस में हुआ करते थे, उस समय वो हमेशा अतिथि शिक्षकों की बात करते थे, किसानों की बात करते थे। अभी यहाँ प्रद्युम्न आया था, अतिथि शिक्षकों ने ये ज्ञापन दिया उनको, ये ज्ञापन ये प्रद्युम्न के द्वारा उन्हीं अतिथि शिक्षकों का ज्ञापन फाड़ के चला गया है। यहाँ का आम आवाम जो उनका विरोध कर रहा है, वो विरोध इस बात का कर रहा है कि तुमने चुनी हुई जनता की सरकार को, जो 5 साल का मैंडेट था उसको आपने गिराया, बेंगलोर में जाके तुमने इस जनता की मंडी की तरह हाट लगा के बेचा है, इस बात का प्रद्युम्न का विरोध। 18 तारीख को कमलनाथ की यात्रा का विरोध करेंगे कमलनाथ? मेरा खुला चैलेंज है, भारतीय जनता पार्टी पुलिस का सहारा नहीं ले, ये जनता के बीच में कमलनाथ जी आ रहे हैं, जनता के कमलनाथ हैं और जनता को उन्होंने चुन के भेजा है, जनता उनकी है और अगर उनमें हिम्मत है तो कमलनाथ जी की यात्रा को रोक के दिखा, मेरा उनके लिए खुला चैलेंज। दूसरा, सिंधिया जी ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को गद्दार कहा है, आपने उनपे गद्दारी का आरोप लगा था तो उनके बलात्कार में उन्होंने ये कहा? मैं उनको गद्दार कहूँ, वो मुझे गद्दार कहे, ये गद्दारी का असली रिजल्ट कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, ये तो जिस दिन यहाँ के मतदाताओं का रिजल्ट आएगा ना चुनाव के बाद, उस दिन तय करना आप कौन गद्दार था कौन वफादार था। तो सच्चाई तो ये है कि बीजेपी आज क्या कह रही है, हकीकत तो ये है कि यहाँ आदरणीय कमलनाथ जी 18-19 को यहाँ उनका जो मेगा शो है उस मेगा शो से भयभीत है, घबरा गए हैं पूरी तरह, इसी वजह से प्रशासन का सहारा लेके हमारे होर्डिंग कटआउट निकाल रहे हैं। हम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, अगर उनमें दम है तो हिम्मत से आके और बात करें और ये जनता के बीच में, जनता का ये चुनाव हो रहा है, जनता के बीच में ये आप देख रहे हैं। जब मैं यहाँ से निकल रहा था मैंने अचानक देखा कि कांग्रेस का बैनर उतारा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा है। आप देख सकते हैं आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आज आप ये बताइए कि जनता से कितना भयभीत हो चुकी है। आज कमलनाथ जी आ रहे हैं, आखिर इनको इतना भय, इतना भय
आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हो? अरे भाई बैनर लगा है तो इतना डर क्यों रहे हो आप? प्रद्युम्न सिंह तोमर का ये कहना है कि ये बैनर अवैध रूप से लगे हुए थे, बगैर परमिशन के लगे थे, उनके परमिशन के लगे थे। झूठ बोलते हैं, झूठ षड्यंत्र पूर्वक रचकर जिस प्रकार से लोकप्रिय सरकार को गिराया है, इनकी आत्मा भी झूठ हो गई है, इनका चरित्र भी झूठा है। कमलनाथ सरकार को लेकर तमाम तरह के कांग्रेस वो बीजेपी विरोध करेगी कमलनाथ का। कमलनाथ क्या नहीं कर रही वो? वो डर का विरोध, जो हार हो रही है उससे भयभीत हैं। जनता तय कर चुकी है, इनके इंटेलिजेंस ने इनको बता दिया कि तुम औंधे मुंह घुरोगे, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। जनता ने तय कर लिया है कि जनता के विश्वास को तोड़ा है, जनता के साथ विश्वासघात किया है। जनता तय कर चुकी है कि कांग्रेस की सरकार बनाएगी और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी।